तो नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसे कि पहले प्रस्ताव में हमने आपको सभी को बता दिया था कि यहाँ पर जो कि रीवा उदयपुर वाली ट्रेन है, इसको 4 जनवरी से लेकर 25 जून 2023 तक के लिए अहमदाबाद तक पश्चिम रेलवे के द्वारा प्रस्ताव मांगा गया है। और यहाँ पर पश्चिम रेलवे ने इस प्रस्ताव को रेडी करके रेलवे बोर्ड को भेज दिया। और साथ ही साथ में जैसे कि हमने उस वीडियो में लास्ट में बताया था कि एक और ट्रेन का प्रस्ताव आया है, तो देखिए देहरादून एक्सप्रेस को उदयपुर तक चलाए जाने की मांग जो है की गई है। तो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन गाड़ी संख्या है इसकी 14941/14942 का उदयपुर तक विस्तार करने को लेकर जो है मांग की गई। और मांग किसने किया है? भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मनोहर लाल परवाना जी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है इसमें प्रपोजल जो है भेजा गया, जिसमें लिखा गया कि यह ट्रेन लगभग 15 घंटे दिल्ली में ही खड़ी रहती है और इसके लिए इसका विस्तार जो है अगर रेवाड़ी अलवर जयपुर अजमेर होते हुए उदयपुर तक किया जाए तो अच्छा खासा राजस्व के साथ साथ यात्रियों को दिल्ली आना और साथ ही साथ में देहरादून के लिए जो कि उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन होती है इसके माध्यम से जुड़ाव जो है बहुत ही बढ़िया ढंग से जुड़ जाएगा। तो उन्होंने इसका जो रीज़न दिया है यह दिया है कि लगभग 15 घंटे के आसपास यह ट्रेन दिल्ली में खड़ी रहती है। तो अगर आप इसको जो है वापस से उदयपुर तक अगर आप विस्तार देते हैं तो निश्चित रूप से इसका जो है यहाँ पर जो एक फ़ायदा है रेलवे को अतिरिक्त रूप से मिलेगा और साथ ही साथ में इस ट्रेन का यूज़ भी जो है किया जा सकता है। दोस्तों देखिए इस ट्रेन का रैक तो कहीं यूज होता नहीं है, एक बार जो है यहाँ पर दिल्ली में आने के बाद लगभग 15 घंटे रैक में खड़ी रहती है। अगर ऐसे में इसका जो विस्तार है रेवाड़ी अलवर जयपुर अजमेर के रास्ते अगर उदयपुर तक विस्तार किया जाता है तो निश्चित रूप से यात्रा भार जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और लगभग मेरे हिसाब से जो जर्नी है लगभग पूरी की जा सकती है। लगभग 1-2 घंटे का समय और रहेगा तो ऐसे में इसकी समय सारणी को थोड़ा बहुत चेंजेस करके इस ट्रेन को चलाया जा सकता है। हालांकि यह तो पहली ट्रेन नहीं है दोस्तों इस पर ऐसी तरह की मांग आई है, इसके पहले भी देहरादून वाली जो ट्रेन थी इसकी मांग जो है उदयपुर तक कराए जाने को लेकर काफ़ी बार विचार विमर्श भी हुआ है। तो देखिए जो ट्रेन है देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, इसका गाड़ी संख्या है 14941/14942 जो कि इसको उदयपुर तक विस्तार करने को लेकर जो कि भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष है मनोहर लाल परवाना जी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र के माध्यम से इसकी सूचना जो है दी है। फिलहाल दोस्तों इस ट्रेन के अलावा जैसे कि हमने आपको बताया कोटा सरवा की प्रपोजल भी जो है सौंपा गया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी ट्रेनें आती है, जैसे कि अगर आपको नाम बताऊँ तो मैं यहाँ पर ना जयपुर असरवा वाली ट्रेन जिसको अब जाकर यह मुद्दा काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ लिया है क्योंकि दोस्तों देखिए ये ट्रेनें तो प्रस्तावित थी जिसको अभी तक जो है चलाया नहीं गया है अहमदाबाद उदयपुर वाले रूट में। और रही बात दिल्ली की तो आने वाले समय में दोस्तों जो जयपुर उदयपुर और ये जो अहमदाबाद का जो सीधा रूट है ना यहाँ पर ट्रेनें जो है काफ़ी सारी मिलने वाली, इसको लेकर प्लानिंग भी की जा रही है आने वाले समय में। प्लानिंग के तहत अलग अलग ट्रेनों के समय की बचत करते हुए साथ ही साथ में यात्रियों को ज़्यादा फायदा हो और साथ ही साथ में रेलवे को ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति हो इस हिसाब से देखते हुए इन ट्रेनों को इस रूट पर चलाए जाने की योजना है। क्योंकि देखिए उदयपुर भी पर्यटक सिटी है, जयपुर भी पर्यटक सिटी है और दिल्ली भी जो है पर्यटक सिटी है। अगर आप इस एक्सटेंशन वगैरह देते हैं तो निश्चित रूप से इसमें यात्री भार के साथ साथ अत्यधिक जो है लोगों को फायदा भी प्राप्त होगा। फिलहाल आपका इस बारे में क्या कहना है आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा। वीडियो समझ में आ चुके होगी तो वीडियो को लाइक लगातार भारतीय रेलवे और अपना इंडिया रेलवे से जुड़े रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स आप ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।